हाय बोल दो ब्लॉग में। फिर कपड़े देख रही है, देखो। हाँ बताइए। बहुत रुशान का एड्रेस दे देंगे, आ जाना। 30 रुपीज पर पर्सन, 30 रुपीज पर पर्सन। एंड टाइम देखो, धोखे के बाद दूसरी चीज चाय होती जिससे आगे खुलती है। ये आर्टिस्ट ने चाय के बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं भैया। आजकल कोटा में तो आगे करनी है, इसका दो बार कट चुका है। आपको इतना बता दूं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गाइस तुम अभी क्या कहते हैं, अभी अभी बक रही थी, नमाज पढ़ी है, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। गाइस देखो वहाँ पर मोर है, अभी दिखाता हूँ आपको, तुम करके देखो हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी बकरीद की नमाज पढ़ी और उसको बारिश का मौसम हो रहा काफी, और तो नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे टहलते जा रहे हैं अपने रूम पर। वो देखो मोर, भैया भाई हाय बोल दो। बढ़िया हो रहा है। गाइस ये ऑटो मिल गया बहुत देर बाद टहलते हुए, फाइनली देखो ऑटो में बैठेंगे। कभी क्या कितना रेंट वो किराया कितना है? हाँ है ना, चलो बैठो जिनत भाई। आखिरकार मिल गए, कितना प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। रेनी सीजन में बहुत प्यारी हरियाली निकलती है, बहुत अच्छा सीजन हो जाता है, उसकी कीचड़ के अलावा सब कुछ अच्छा होता है रेनी सीजन में। देखो बाकी और लोग नमाज पढ़ते जा रहे हैं घर अपने रूम पर। कैसे चाहो बैठा हो? आप बैठा हो भैया, बैठा के मानेंगे। भैया बैठा ही लिए वैसे आपने, भैया को एक्सपीरियंस है ना, पहले भी किया होगा। ये भैया ने बैठा लिए जैसे तैसे करके। कितना मस्त यूज हो रहा है, उधर भी बढ़िया हो रहा है ना। छोटी शाहिद भाई खुला क्या फोन? ये हमारा दोस्त है, इसका फोन बारिश की वजह से इतनी तेज बारिश पड़ रही थी ना, हमारे तो बच गए, इनके फोन थोड़ा बीमार हो गया है, थोड़ा चार्जिंग पे लगा के खोलेगा। काम हो गया, डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। शायद वह टेंशन ना लो, खुल जाएगा। बोला जुनैद भाई बारिश भी तो बहुत तेज हो रही थी ना उस वक्त, बहुत तेज हो रही थी भाई, लेकिन मजा आ गया। देखिए कितना मस्त व्यू है यार, देखिए जुनैद भाई ऐसा कोई फिल्म है। पहुंचने वाले
गाइस हम लैंडमार्क पहुंच चुके हैं, ये रहा अलकरीम है ना, अलकरीम और यादगार आ गए। यहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाते नॉन वेज वगैरह। नीचे जाते हैं बेसमेंट में, इसके आगे है यादगार, यहाँ पे नॉन वेज खा सकते हैं। इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ है घंटा घर बताओ जुनैद भाई, उधर जाकर है ना गुमानपुरा की साइड, वहाँ पर थोड़ा नॉन वेज टाइप का मिलता है, बीफ वगैरह और सारी चीज़ें, तो वहाँ पर बच्चे जाया करते हैं अक्सर, मैक्सिमम वहीं पर जाकर नॉन वेज वगैरह खाते हैं ज़्यादातर, यहाँ इतना मिलता नहीं है। और गाइस ये एलएन की बिल्डिंग आ चुकी है संज्ञान, ये दो पब्लिक खाता है। चुके हैं उतरने वाले ऑटो में से संज्ञान, ठीक है भैया हो गया फाइनल, अभी बात कर रहे हैं जरा, अब जाकर फाइनल हुआ ऑटो का किराया। राइस ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है बकरीद पे, लैंडमार्क में देखो कोटा, यहाँ पे लोग चाय वगैरह पीते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्टल है रिद्धि हाइट। क्या कुछ खाना है क्या जुनैद भाई? वो कौन सी बिल्डिंग है भाई? ये तो महंगे वाले हॉस्टल्स हैं यार, बहुत महंगा हॉस्टल है रिद्धि हाइट से, रिद्धि हाइट, ये रही एलएन की बिल्डिंग। अच्छा वो एलएन की है? हाँ, उसको संज्ञान नहीं, कितना मस्त भी हो रहा है वो सामने। क्या बताइए ये यहाँ कर सब पता है इनको भैया को यहाँ पे? अरे भैया नहीं यार, हमने देखा है कई सारी लड़कियाँ यहाँ, नहीं गलत काम नहीं होते यहाँ पर, ये रहा नहीं जाता। क्या कहाँ जाना है? मैं आपको दिखाता हूँ लैंडमार्क, ये स्ट्रीट दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, काफी शॉप्स वगैरह हैं। अभी जुनैद भाई ने कुछ खाने के लिए लिया, सुबह से कुछ खाए नहीं थे ना तो भूख लग रही थी, खाओ टाइटन। ये हमारे कैमरामैन ने, उनका फोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो उनका मूड खराब हो गया थोड़ा। हाँ उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है बेचारों को, खाना मिलेगा नहीं क्या? पी लो, खा के काम चलाना पड़ रहा है यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं, सामने कोटा की ऐसी होती है यहाँ पर, जैसा घर में होता है ना, सारी चीजें बनी बनाई मिलती है यहाँ पर, तो सब करना पड़ता है। देखो आज बकरे ईद है और बिस्किट खा रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही होगी भाई इसमें, सब आएगी मयंकर, ये तो पता आज वो जब हम प्लान बना रहे हो क्रिकेट खेलवा। ये गाइस देखो इतनी बारिश पड़ी थी कि पानी वानी भर चुका है यहाँ पर, काफी दिक्कत होती है यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना तो पानी वानी भर जाता है यहाँ पर। सॉरी कहाँ रहीम कहाँ है गाइस? यहाँ का कृष्णा फूड कॉर्नर, इसको प्यार से केएफसी बुलाते हैं यहाँ का, केएफसी, कृष्णा का के, फूड का एफ, कॉर्नर का सी, केएफसी, सस्ता केएफसी है ये।
क्या मस्त व्यू हो रहा देखो सामने, यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है ये। ये संज्ञान से थोड़ी बड़ी है, शाहिद गया क्या? अच्छा घर से आ रहा है कॉल, पास आती हमारा चला गया, इसको जरा कुछ काम था थोड़ा। हम अभी अभी एक दोस्त के हॉस्टल पर जा रहे हैं, मित्तल रेसिडेंसी। जुनैद भाई व्लॉग, यहाँ का पार्क है, काफी खूबसूरत पार्क है यहाँ का। अब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर की आवारा की तरह घूम रहे हैं, एक आज छुट्टी का दिन था तो इसलिए बना लिया है अच्छा सा आपके लिए। देखो क्या क्या कार्ड, क्या क्या मार्किंग करते हैं लोग यहाँ पर पेट पर। वो कहते हैं ना कि एनाटॉमी में टॉपिक है कि एपिकल ग्रोथ होती है सिर्फ पेड़ की, तो इस टाइम पर कुछ भी लिख दो वो कितने भी साल बाद है ना वो यही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ एपिकल होती है, ऊपर में ऊपर की तरफ ग्रो होता है वो। अगर कोई भी कोई मार्किंग अगर आप करते हैं पेड़ पर इस तरीके से, तो कितने भी साल बाद देखना वो वहीं मिलेगी आपको। ये यहाँ पर क्लास 11th के एनाटॉमी चैप्टर में समझाया जाता है। ये गाइस देखो कितना मस्त व्यू हो रहा है, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत मस्त है। और ये भाई बैठा है यहाँ पर, सुबह सुबह उठ के इसका मन नहीं लग रहा। और ये रही वहाँ पर, मेरे कुछ दोस्तों को इंतज़ार कर रहे हैं, अभी नमाज़ पढ़ कर आए थे ना हम बकरीद की, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया, वेट कर रहे हैं थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम चलते हैं, और ये यहाँ पर शुरू यहाँ पर ये रहा। हाय बोल दो ब्लॉग में, ब्लॉग में हाय बोल दो भाई। ये इंट्रोडक्शन करा दूं पहले, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन भाई, रोशन भाई। ये करीम भाई है, और आदि आदि ये उमेर भाई है, तुम्हारा नाम क्या भाई? ठीक है। और ये हमारे सबसे बड़ा, इनका इन्हीं का हॉस्टल है ये, इनके अब्बा का है। पढ़ते पढ़ते तो है नहीं यहाँ पर, ये देखो कैसे बैठे हैं लीश पे, हाँ लीश पे लेते हैं। और हमारे रहे अदनान भाई, माशाल्लाह क्या दाढ़ी है। ये देखो ऐसी मजाक बनाई जाती है लोग वालों की। इब्राहिम भाई लटक गया। और ये हेलो, ये वही है भीड़ में जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये ज्ञान, ये हमारे दोस्तों में हर होता है ना, हर एक ग्रुप में ज्ञान देने वाला, तो उनमें से ये हैं। ये आंटी अभी आई थी, कुछ बोला इनको? तो ज्ञान दीजिए थोड़ा सर, दीदी है। सर थोड़ा ज्ञान दीजिए। सर आप कौन से उसमें बैठ, ये दिखा रहे हैं किस में आए हैं? देखो फ्री की फोकट की सवारी ऐसी होती है। फोकट की नहीं, 200 रुपए दिए हमने, और तीन सवारी आपकी भी थी, तो आप भागे। बहुत मजे में आए हम लोग तो। बंद कर दो। ये कहीं नाश्ते के लिए जा रहे हैं आप कहीं पर? तो होता है ना, भूख तो लगती है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बिस्किट ही खाया था। बिस्किट और चाय से कहाँ पेट भरता है। तो देखते हैं कहाँ चलते हैं लोग। रोशन भाई ज्यादा भूख लग रही है क्या आपको? बहुत ज्यादा लग रही है, नाश्ता भी नहीं कर रहा। ये घर जैसा तो नहीं मिलेगा यहाँ पर? कैसा भी मिला पेट पर चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये आपसियों में से एक होते हैं ना, जो कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं। बेचारा सुबह से बिस्किट खाया हुआ, बिस्किट भी खाया तूने ना सुबह से? ये हमारा छोटा सा बच्चा है, ये 30 रुपए। जो मेर भाई, ये रुकने वाले का नुकसान क्या होता है, वो खुद नहीं आता सबको ले आता है।
ये खुल जा रहा है भाई, उनके चप्पल खुल रहे हैं, काफी दिक्कत काफी समस्या हो रही है इनके चप्पलों से। ये अपने घर पे बात करते हुए तो अभी देखते हैं डिस्कशन चल रहा है कहाँ पर जाएंगे और फालतू बकवास कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। चलो कपड़े देख रही है देखो। तो भाई कोई सेल्फी लेने का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो सेल्फी लेंगे लोग, फोटो वोटो खींचेंगे। अरे चालू है आपका, टेंशन मत लो, आपके कैमरामैन पीछे खड़े खड़े। ये है दलाल। चुप। ये एंगल के सामने रहना भाई, गिर तो भाई एलन है, एलन भी है भाई, ये देखो सामने एलन है भाई, यही वो बिल्डिंग है जिसे हमने जिसने हमें यहाँ खींच रखा है। खींचा नहीं उसने, पकड़ के रखा है, जरूरत है ना हमारी। हमारा वो एंगल नहीं हटेगा। कौन है कश्मीरी दलाल है, कश्मीरी दलाल है। यहाँ पर देखो ये क्या गर्लफ्रेंड के, अरे आपको सूफी से मिलना चाहिए था यार। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको है ना सूफी से मिलना चाहिए था, हमारा दोस्त एक कश्मीर का है, अभी बेचारा गया घर, वो नहीं तो मिलाए होते आपसे। भाई मैं कश्मीर से नहीं हूँ। ये क्या बोले, फर्जी कश्मीर है, फर्जी कश्मीर है। नहीं वो यही फर्जी कश्मीरी। हाँ क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। बोलो बोलो क्या। मैंने ले लिया इससे कैमरा, जरा देखो बकवास करते हुए जा रहे हैं। अमेरिका नहीं अमेरिका, अरे इसके ऊपर मीम भी है ना, ये देखो जा रहे हैं सब। कहाँ जाना भाई बता तो दो, रुशान कुछ पता कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने के लिए ना दलाल भाई जाने, उनका जहाँ उन्हें दलाली मिल जाए। देखो देखो पानी पानी हो गया, पूरा पानी पानी हो चुका है, रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको। नहीं इनको बाइकआउट करो क्योंकि ये अच्छे होस्ट नहीं है। ईद के इस अवसर दिन पर अवसर थोड़ा हो जाए। नहीं नहीं अच्छे दिन पाक मौके पर। हाँ हाँ पाक अच्छा है। मैं इस पाक लौंडे नहीं 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 ये गलत बोल रहे हैं आप उसका जुमला गलत कर रहे हैं। ये बेटा ऐसे रोस्ट होता है, जो पुरानी बातें हैं भूल जाओ। यहाँ पे दिखाता हूँ एक बेवफा चाय वाला है। हाँ बताइए। बहुत ज्यादा पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं ये लोग, जा रहे बता कहाँ जा कहाँ रहे हैं वैसे। हम लोग जा रहे हैं वो क्या नाम है अंडा खाने, वो क्या नाम है ब्रेड ऑमलेट खाने जा रहे हैं। बताओ बकरीद के दिन ब्रेड ऑमलेट क्या खाएंगे और क्या खाएंगे, चावल खा देते तो अच्छा ही है पोहे के नाम पे। बात तो सही है, देखो क्या हालत है।
गाइस यहाँ पर एक चौकी, अगर कोई दिक्कत विक्कत होती है यहाँ पर तो यहाँ पर पुलिस चौकी, यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये रहे पुलिस अंकल, इसीलिए क्या कर रहे हैं आप? कितने बारिश का मौसम हो रहा है, ये परेशान है, भूख लग रही है सब बेचारे। जब खाना तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा। अरे अरे बेचारे को भूख लगी होगी। बस कर यार, बहुत नहीं। कोई लड़ाई वड़ाई का मैटर होने वाला मुझे लगता है। वो आ रहे हैं, वो रहे क्या दे रहे हो भाई? आ जाओ, चॉकलेट बांटी जा रही है। इसका भी ब्लॉग बनाओ। नहीं ब्लॉग देखो, इसको कहते हैं दोस्त गाइस, देखो एक ही लिए पांच वाली और पांच लोगों में बांटी है। मैंने ली नहीं है ना, हारी से ली थी मुझे दिखाने के लिए। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। गाइस देखो चलते जा रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं कहाँ जाना अभी है। हम लोग ना तीन चार देखो फिर वापस से राउंड ले लिया। जा क्या रहे हो? हैं बहुत हो गए थे आज के दिन भी। कहीं भाई क्या चल रहा बताओ तो यार, हमें खुद नहीं मालूम भाई क्या चल रहा है। इतनी देर से घूम रहे कुछ पता ही नहीं चल रहा। पहले यहाँ पर इनकी एक स्टोर होती थी, पहले हम ऑमलेट खा। अच्छा ऑमलेट नहीं मिला, ठीक है। अच्छा अब क्या खाना है? अब तो पोहे से कम दिलाएंगे क्या करेंगे? समझ गया। बताओ यार पोहे बकरा ईद के दिन। मामा मामा ये वो कचोरी। गाइस फाइनली नो कचोरी और एक पोहा लिया है इसके लिए। बकरीद के दिन कचोरी पोहा आपने देखा क्या हुआ? डिसाइड हुआ नो कचोरी एक पोहा। वाह क्या सीन है। देखो यार गन्ने का जूस पी लेंगे, ये बोल रहे हैं इनकी फरमाइश अलग है। ये गन्ने का जूस पीने कह रहे हैं अमान भाई, प्यास लग रही है। इनके बड़े भाई हैं रोशन भाई के, बड़े भाई स्मार्ट है लड़का। रहीम भाई खाना जरूरी है क्या? जी भाई जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। नहीं लेकिन और भी चीजें हैं क्या? जैसे आप हमारा दिमाग खाते हैं। दलाली गड्ढा, दलाल अमेरिका का दलाल, अमेरिका का दलाल। भाई यहाँ पर पोहा लेंगे अभी कचोरी। मुझे कितना टाइम लगेगा अभी? क्या पोहा बना रहे भैया? सॉरी भाई ये देखो मोबाइल देगा पहले से। देखो रुशान भाई की कचोरी आ गई, इनका मोबाइल मांगा लोहा खा रहे हैं। ये तो सही। अरे भाई दोबारा तो मांगते हैं, थोड़ा रिस्क देगा। अमन भाई कचोरी बांटते हुए, अरे ले रहे हो तो ले लो ना। ले ली भाई, ले ली ये हमें दे दी इन्होंने। अरे छाता खानदान बिक रहा है, किसी को लेना है क्या? तैमंद का बना हुआ छाता, तैमंद वाला रुशान, रुशान तैमंद का छाता है। अविनाश भैया का पोहा, लैंडमार्क का सबसे बढ़िया पोहा।
मैं मानता हूँ बच्चे को दिखा दो गाइस फाइनली कचौड़ी खा ली है लेकिन सभी बहुत नहीं खाए रहा है तो फिर इधर खाओगे भाई कम 3-4 घंटे क्रिएटिव इंसान है हमारे गुरु के बढ़िया था गुरु और एक दो और मार बनाओ भी ताजे ताजे लो अरे मार देंगे अरे तुम्हारे तो हाथों ने मारे ये कह रहा तायरी खराब मिली मिली और अमन भाई बताओ तो गाइस अभी काफी हवा चल रही हो सकता है बारिश आ जाए दोबारा मौसम तो हो रहा है ये हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं बता रहे हैं कि बारिश हो जाएगी क्या हो जाएगा लोग खराब हो जाएगा तुम्हारा फिर होते हैं ना भाई मस्त हवा चल रही है भाई अपने चलेंगे पहले उधर भाई जितरी है उधर जितरी है क्या कह रहे हैं सर यहाँ पे अरे मेरा क्या हो यार अदनान भाई कुछ बताओ यार बहुत गंदा जगह है पढ़ाई के हिसाब से कैसा पढ़ाई रुशान का एड्रेस दे देंगे आ जान 30 रुपीज पर पर्सन एंड टाइमिंग होगा ट्यूशन है ना ट्यूशन जो भी होगा वो ही नो करेगा होम डिलीवरी अवेलेबल फाइनली खाली आया अब चल रहे हैं अपने अपने देखते हैं शायद अपने रूम पे जाएंगे अब अब कहाँ जाना है ऐसे रहेंगे कहाँ जाना है मंगल चाय और बेवफा चाय वाला ना बेवफा चाय पे नहीं जाना है बेवफा चाय मंगल की चाय चलो बेवफा की भी पी सकते हैं हम लोग देखो धोखे के बाद दूसरी चीज चाय होती जिससे आगे खुलती है वहाँ पर लिखा है उनके हेडलाइन में तो गाइस यहाँ पर एक शॉप है लेंसकार्ट की शॉप है तो यहाँ पर चश्मे वगैरह स्पेक्टेकल्स देखो लेंसकार्ट यहाँ पर है मौसम कैसा हो रहा है मौसम तो ऐसा हो रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रही है मौसम बताओ क्या गार्डन गार्डन हो रहा है गार्डन तो कहीं ना कीचड़ कीचड़ दिख रही है हमें तो मौसम गार्डन गार्डन हो रहा है हमें तो कीचड़ कीचड़ दिख रही है तो गाइस अभी डिसाइड किया है कि हम चाय पियेंगे क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो रेनी सीजन हो रहा थोड़ा बारिश भी पड़ी अरे मेरे भाई व्लॉग्स में आ जाओ एक घंटे भर ना मैंने पानी में ना जुम्मा पढ़ा हूँ मतलब डेडिकेशन देख रहे हो भाई की हाँ पढ़ाई में दिखानी चाहिए इधर ये दोस्त मिल गए थे जाते हुए जा रहे हो क्या मिलते हैं फिर भाई ठीक है काशिफ भाई ठीक है ना मिलते हैं बाद में कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा सब कर लेंगे तो गाइस ये दोस्त मिल गए थे कुछ बीच में अभी देखो वो वहाँ पर हैं उस साइड पहुँच चुके हैं देखिए चाय कितनी मस्त ये आर्टिस्ट हैं चाय के बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं भैया ये स्माइल देख रहे हो भैया की ठीक है अंकल ठीक है शुक्रिया कंटेंट देख रहे हैं कितने अच्छे दोस्त हैं यार देखो कंटेंट ढूंढ ढूंढ के दे रहे ये हमारे होस्ट से मिले ये है हमारे होस्ट भतीजा भतीजा
ये हमारे होश है और ये डुप्लीकेट है उनके। पीले कुर्ते जैसे पोपट लाल का छाता हमेशा उसके साथ रहता है, खून के साथ पोपट लाल। ये हमारे पोपट लाल है, देखो शरीर भी ऐसा। ये ओरिजिनल मतलब आप डुप्लीकेट ऐसा? मैं तो आई एम वासी, मैं तो ओरिजिनल। अरे सुनो सुनो, इनके पापा बता कौन है, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि भतीजा है मेरा, भतीजा डैडी का आंटी डैडी। ये क्या है? अरे ये नहीं, ये असली असली डैडी है। ये कहां है, कहां है? ओ आपका बेटा है। अच्छा ये किसके लिए? अरे इनसे मिलो, नहीं इनसे मिलो, अरे हमारे ब्लॉगर कहाँ गए यार? अरे उधर कहाँ छुपे हो यार भाई? अरे भाई तेरा कॉफी नहीं बोल रही, अब बस। अरे वो मीम चला था ना, चलो भाई चाय पी लो, गरम है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। गरम है। अच्छा गरम भी है क्या? बहुत गरम हो रही है। अरे ये लाइए ना, ये है हमारा भतीजा, भतीजा इसके गाड़ी खड़े येलो। इतना छोटा भतीजा कहाँ से आया? ये समय छोटा होता है, पैदाइश के वक्त इतना ही बड़ा होता है। इसको फिल्टर कराएंगे ये भाई, देखते कि अपना चेहरा दिखाएंगे, आप चेहरा दिखाएंगे चाचा, देखो करा भी दिया। तो गाइस पी लिए चाय, आज मैं आपके साथ आके मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद इतना जीनियस पे लोग हंसते हैं, जो कि मैं हूँ। कोई नहीं करता तारीफ, तो खुद ही कर लेनी चाहिए। भाई कभी इतने ग्रुप में कभी व्लॉग बनाओ ना, तो जो बनाता है उसकी मजाक बनती है, और यहाँ पर वो बना मैं, लेकिन कोई नहीं, मजा आता बनाने में, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या करता। रहीम भाई कोई कहानी बता रहे थे, बताना। अनवर दीवाने प्यार के ऊपर कुछ बता रहे थे, प्यार कैसी चीज है? बहुत गंदी चीज है, खासकर कोटा में तो आगे करनी है। इसका दो बार कट चुका है आपको इतना बता दूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना बता दूं, रिलेशनशिप कोई भी हो कटेगा तो। अच्छा अब अभी कटे हैं, कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस बोल रहा भाई का एक्सपीरियंस। कटने तो है, प्यार हो गया, कसाई हो गया, काटे जा रहा है। अरे मैं इसका टीचर कहता था कटेगा कटेगा, और हो गया। तो गाइस काफी मजा आया, देखो दोस्तों के साथ यहाँ पर जो सेलिब्रेशन होता है कोटा में, जैसे ईद है मान लो, तो जो घर पर मजा आता है वो तो यहाँ पे आते नहीं, लेकिन दोस्त। सो गाइस होप यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से अपकमिंग व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और यार आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ब्लॉगर, कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो माफ़ कर दे। आप यहाँ तक बने एंड तक वीडियो तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं यहीं पर ये ब्लॉग को एंड करता हूँ, बाय। तो काफ़ी मतलब इनके थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि अकेला तो क्या ही कुछ होता है। तो अभी दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, तो मैं खाना खाया है, नाश्ता किया है, तो थोड़ा अच्छा लगा है। अभी हम जा रहे हैं, वैसे आज संडे भी, तो बस थोड़ा सा इसलिए हम घूम रहे थे, और आज ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा होता है।